कंपनी नेटवर्थ $259 बिलियन है। और सबसे हैराने वाली बात तो ये है कि ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1892 में और तब से लेकर आज तक किसी को भी इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में पता नहीं चला है। लेकिन 2006 में एक इंसिडेंट हुआ, कोका कोला की एक एम्प्लॉय ने उनका ट्रेड सीक्रेट चुराया और उसे पेप्सी को बेचने का ऑफर किया और बदले में $1.5 मिलियन मांगे, यानी रफली 12 करोड़ रुपए। तो ये बात हम सभी को पता है कि पेप्सी और कोका कोला हमेशा टॉप पोजीशन के लिए झगड़ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात थी कि पेप्सी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगी, क्योंकि कोका कोला उस टाइम पे नंबर 1 पोजीशन पे था और उनका सीक्रेट फॉर्मूला मिलना यानी जैकपॉट लगना। तो उन्होंने कोका कोला के एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाया डील कंफर्म करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब सडनली FBI वहां पे आती है और कोका कोला के उस एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लेती है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। बाद में ये रिवील हुआ कि पेप्सी ने खुद ने उस एम्प्लॉय के बारे में और वो फॉर्मूला लीक होने के बारे में कोका कोला को और FBI को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि पेप्सी को पता था कि गलत तरीके से जीतने से बेटर है हारना। तो ऑलवेज बी लाइक पेप्सी, जब कॉम्पिटिटर तगड़ा हो तभी तो गेम खेलने का असली मजा आता है। फॉलो फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट।